आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, जैन तत्व विद्या के अंतर्गत हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर के अंतर्गत आज हम 22वें बोल की चर्चा करेंगे। 22वें बोल में धर्म की पहचान के 5 प्रकार बताए हैं। प्रश्न है, धर्म क्या है? आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिससे आत्मा की शुद्धि होती हो उसे धर्म कहा जाता है। धर्म एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को दुर्गति जाने से बचा देता है। धर्म के माध्यम से ही ये सारी सृष्टि चलती है। व्यक्ति धर्म करता है इसीलिए यह सृष्टि का संतुलन बना रहता है। यदि व्यक्ति धर्म करना छोड़ दे, पाप ही पाप चारों ओर होने लग जाए दुनिया में, तो दुनिया का प्रलय हो सकता है। तो धर्म के प्रभाव से ही चांद सितारे तारे समय पर उठते हैं, बारिश समय पर होती है, सब धर्म का ही प्रभाव है। धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक विकास होता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो धर्म क्या है, धर्म की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा 22वें बोल में की गई है। धर्म की पहचान के 5 प्रकार बताए गए हैं। धर्म किसे कहे, आचार्य भिक्षु ने बहुत ही सुंदर ये 5 बातें बताई है, जो आचार्य तुलसी ने जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 22वां बोल जो है उसमें इनकी चर्चा की है। त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं है। कई लोग पूछते कि धर्म हम किसे माने, तो भगवान कहते हैं कि धर्म किसमें है, त्याग में है। जितना जितना हम त्याग करते हैं उतना उतना धर्म है, जितना जितना हम भोग करते हैं वो सब अधर्म है। भोग में कभी भी धर्म नहीं होता है, त्याग में ही धर्म होता है। कई व्यक्ति कहते हैं हम त्याग नहीं करेंगे, हम खाएंगे नहीं। तो अब अगर आप नहीं खाते हैं लेकिन आपका त्याग नहीं है तो वो आपका धर्म नहीं है, आपको धर्म नहीं होगा। आपको अकाम निद्रा हो सकती है, अगर भूखे ज्यादा भूख लगी है जोर की और आपको समय पर नहीं मिल रहा है, आप सहन कर रहे हैं, तो अकाम निद्रा सपोज हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। धर्म कब होगा, जब हम त्याग करेंगे। त्याग के बिना धर्म नहीं होता है, क्योंकि त्याग से ही जो संवर होता है, त्याग के बिना संवर की साधना भी नहीं होती है। संवर के माध्यम से जो बाहर से पाप आते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। आश्रम का काम क्या है, पाप कर्म का आगमन। आश्रम का मतलब आना, आश्रम से पाप कर्म का आगमन होता है। और संवर से जो बाहर से पाप आ रहे थे, न्यू कर्म जो आ रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं। यदि हमें नए कर्म के बंधनों को रोकना है उसके लिए त्याग करना जरूरी है, क्योंकि प्रतिक्षण कंटिन्यू निरंतर कर्म का प्रवाह चल रहा है, यानी कर्म का बंधन निरंतर हो रहा है, उसकी प्रोसेस निरंतर चल रही है। एक क्षण भी, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं जाता है जिस क्षण कर्म का बंध न होता हो। संसारी प्रत्येक प्राणी के कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। तो जो कर्म का बंध है, हो रहा है, उसको अगर हमें रोकना है उसका माध्यम है त्याग करना। तो त्याग, छोटे छोटे त्याग से हम संवर की साधना कर सकते हैं। दिन भर में हम चिंतन करें कि हम कितने संवर की साधना करते हैं। तो संवर की साधना का सबसे अच्छा माध्यम है 14 नियम। जो 14 नियम है, प्रतिदिन उसका हम चिंतन करें और साथ में हम उसका त्याग करते जाएं। 5-10 मिनट लगता है 14 नियम स्वीकार करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन कितना बड़ा लाभ हो जाता है कि जो नए कर्म निरंतर आत्मा में प्रवेश कर रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो 14 नियम बहुत अच्छी साधना है धर्म करने की, त्याग की। तो त्याग जब होता है, जब हम समर्थ होता है, जब हम त्याग करते हैं। तो 14 नियम में छोटे छोटे त्याग है कि आज मैं 2 बार से ज्यादा नहीं खाऊंगी, 25 आइटम से ज्यादा नहीं खाऊंगी, या अमुक ड्रेस से ज्यादा नहीं पहनूंगी। ये छोटे छोटे नियम है,
लेकिन छोटे छोटे नियम से बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो सभी को ये जो संवर की साधना है सबको करनी जरूरी है। तो संवर की साधना से ही हम सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष तक भी पहुंच सकते हैं। संवर सुख है और आश्रय दुख है। आश्रय दुख इसीलिए है कि आश्रय के माध्यम से पाप आता है। तो पाप व्यक्ति को क्या देता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? पाप का बंधन हुआ है तो इसका रिजल्ट होगा दुख। आश्रय से दुख होता है हमें, तो संवर से सुख होता है। संवर करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आध्यात्मिक लाभ भी होता है। क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसे भी डॉक्टर साहब बताते हैं कि 3 घंटे पहले नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारे क्लास में डॉक्टर बहुत है तो आप लोग ही बताते हैं हमें कि 3 घंटा तक नहीं खाना, खाना खाने के बाद 3 घंटे तक पानी हमें नहीं पीना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि 3 घंटा क्रिया कर सकते हैं कि 3 घंटा तक मुझे खाने का त्याग है। उसका त्याग करने की विधि यह होती है देव गुरु धर्म की साक्ष से। क्योंकि कोई भी त्याग किया जाता है उसमें साक्षी होती है, जैसे शादी होती है तो उसमें भी साक्षी होती है, अग्नि की साक्षी होती है, वैसे त्याग में भी साक्षी होती है देव गुरु धर्म की साक्षी से। मैं 1 घंटा तक 3 आहार भोगने का त्याग करती हूँ या 2 घंटे का, जितना भी आपके पास टाइम है, जैसा भी आप करना चाहे उतना आप कर सकते हैं। तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, संवर की साधना हो जाएगी। तो आप 2 घंटा 3 घंटा, अगर आपको लगे कि मुझे 1 घंटा पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसे भी हमें 1 से 1.5 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि हमारी जो जठराग्नि होती है जब हम खाना खाते हैं तो वो प्रज्वलित होती है, यदि हम पानी पी लेते हैं उसके ऊपर वो जठराग्नि शांत हो जाती है, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहुत अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है, त्याग भी हो जाता है, दोनों ओर से लाभ होता है, द्रव्य से भी लाभ और भाव से भी लाभ हो जाता है। तो खाना खाने के बाद त्याग करने की आदत डाल सकते हैं, डिनर के बाद, सनसेट के बाद, अगर रात में आप नहीं खाना खाते हैं तो सनराइज तक आप त्याग कर सकते हैं, सोते समय त्याग कर लें, सुबह तक मुझे 3 आहार पानी भोगने का, रात को अगर पानी नहीं पीते हैं तो 4 आहार पानी भोगने का त्याग कर सकते हैं। जितना जितना हम त्याग करते जाएंगे उतने उतने नए कर्म का जो बंद निरंतर हो रहा है वो रुकता जाएगा। तो पुराने कर्म को तोड़ना है उसके लिए तो हमें तपस्या करनी होगी। तपस्या, स्वाध्याय, जो निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उनके माध्यम से पुराने कर्म क्षय होते हैं और नए कर्म को तोड़ने का माध्यम ही क्या, संवर। जितना जितना अभी सपोज आप क्लास में बैठे हैं, अभी आपका आधा घंटे की क्लास है, आधे घंटे का संवर कर सकते हैं, आप साथ में 24 भी कर सकते हैं, तो दोनों लाभ हो जाते हैं, क्लास भी सुन सकते हैं, त्याग भी हो गया और संवर भी हो गया, तो दोनों ओर से आपको लाभ हो जाता है। आचार्य तुलसी कहते हैं जैन तत्व विद्या के अंतर्गत, त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। 5 इंद्रियों का भोग जो हम करते हैं वो सब अधर्म है, और त्याग जितना जितना हम करते हैं वो धर्म है। पहला प्रकार वो बताया। दूसरा प्रकार है आज्ञा धर्म है, अनाज्ञा अधर्म है। जो भगवान की आज्ञा है वो धर्म है, जहां भगवान की आज्ञा नहीं है वहां धर्म नहीं है। भगवान की आज्ञा किसमें है? भगवान कहते हैं तपस्या करो, भगवान कहते हैं स्वाध्याय करो, भगवान कहते हैं रात्रि भोजन मत करो। अगर हम रात्रि भोजन करते हैं इसका मतलब है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वर्तमान समय में तो बहुत कम लोग होंगे जो रात्रि में भोजन न करते हो, लगभग सभी रात्रि में भोजन करते, बहुत कम लोग होंगे जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। तो भगवान ने तो कहा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रात्रि में ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। आप कहेंगे लाइट होती है, लाइट में तो दिखाई देते, लाइट में भी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो जीव दिन में दिखाई देते सूक्ष्म जीव, वो रात्रि में लाइट के माध्यम से भी हम देख नहीं सकते हैं। इसीलिए रात्रि भोजन का निषेध किया गया है कि जो जैन श्रावक हो, जैन साधु तो करता ही नहीं। जैन श्रावक का भी ये नियम होता था कि वो जैन कौन होता है जो रात्रि भोजन नहीं करता है, ऐसी पहचान थी। वर्तमान समय में वो पहचान भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम रात्रि भोजन का त्याग करें। क्योंकि रात्रि में अगर भोजन करते सोते हैं तो उससे नींद भी सही नहीं आती है,
खाना भी सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो दोनों दृष्टि से नुकसान होता है। स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहे और हमारे कर्मों की निजता भी हो, संवर भी हो, त्याग भी हो, धर्म भी हो, उसके लिए हम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा है कि रात्रि भोजन नहीं करना है। भगवान की आज्ञा ये नहीं है कि रात्रि भोजन करो, भगवान की आज्ञा है स्वाध्याय करना है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय फिर भी कर लेते, कई लोग ध्यान भी कर लेते, लेकिन रात्रि भोजन उनके लिए थोड़ा कठिन होता है छोड़ना, क्योंकि तो जॉब होती है, लेट आते हैं, टाइम पर नहीं होता है खाना, तो वो कठिन होता है। लेकिन कम से कम प्रयास कर सकते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा जो पर्व तिथि है, उन दिनों में तो हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। भगवान ने तो कहा था कि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन पोषण करो, प्रतिपूर्ण पोषण यानी उपवास के साथ पोषा करो, ये नियम था। प्राचीन समय के जो श्रावक होते थे, जब अष्टमी आती, चतुर्दशी आती, पूर्णम अमावस्या आती, उस दिन उपवास के साथ वो पोषण करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इतना करना संभव नहीं है, तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि हम उस दिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। प्रतिक्रमण करने से भी कर्मों की निर्जा होती है। प्रतिक्रमण एक प्रकार का स्थान है, आत्मा पर लगे हुए कर्म को क्लीन करने का माध्यम है प्रतिक्रमण। क्योंकि दिन भर में हम कितने पापकारी प्रवृत्ति कर लेते हैं जान अनजान, अगर हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं वो क्या है, हमारा एक प्रकार का स्नान हो जाता है। स्नान करने के बाद आपको कितना अच्छा लगता है, वैसे ही प्रतिक्रमण करने के बाद आत्मा का स्नान हो जाता है, आत्मा हमारी पापों से हल्की हो जाती है। तो भगवान कहते हैं आज्ञा धर्म है, अनाज्ञा अधर्म है। तीसरी बात कही धर्म पहचान की, संयम धर्म है, असंयम अधर्म है। जितना जितना हमारा संयम है उतना उतना धर्म है, जितना जितना असंयम उतना उतना अधर्म। तो संयम किस में हम कर सकते हैं, खाने में संयम कर सकते हैं, पीने में संयम कर सकते हैं, कपड़े रखने में भी, कपड़े की जोड़ी लिमिट कर सकते हैं, चप्पल की जोड़ी भी लिमिट सकते हैं, सोना चांदी जो भी है, घर मकान ऑफिस उन सब की लिमिट कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं। जितना जितना संयम उतना उतना धर्म, जितना जितना असंयम उतना उतना अधर्म। तो हम कितना अपने जीवन में संयम कर सकते हैं वो हम चिंतन करें। चौथा है उपदेश धर्म है, बल पूर्वक धर्म नहीं है। उपदेश देना धर्म है। सपोज कोई व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, तो इसको हमें उपदेश देना चाहिए, अरे भाई हिंसा करना अच्छा नहीं है, हिंसा करने का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, हिंसा करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, उनको उपदेश दे सकते हैं। लेकिन बल प्रयोग यानी फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर फोर्स करते हैं तो वो एक बार वो छोड़ देगा, लेकिन वापस वो उसका संस्कार है, क्योंकि तो उसका हमने हृदय नहीं बदला, इसीलिए वो वापस वो करने लग जाएगा। तो आचार्य भिक्षु कहा करते थे कि हमें हृदय सामने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर देना चाहिए, जिससे वो अपने आप ही हिंसा करना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, जो गलत आदतें हैं उनको अगर हमें छुड़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा उपदेश देना चाहिए उसका हृदय बदल जाए, तो सामने वाले व्यक्ति को लगे हाँ ये जो बात बताई जा रही वो सही है, अब हम कभी हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं करेंगे। उनका हृदय परिवर्तित हो गया तो वो अपने आप ही हमेशा के लिए छोड़ देगा। यदि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हमने बल किया यानी फोर्स किया, तो फोर्स से वो एक बार वो भय से वो छोड़ देगा, लेकिन वापस अब लगेगा अब कोई है नहीं देखने वाला, वापस वही काम करने लग जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं उपदेश धर्म है, उपदेश लेना धर्म है, लेकिन बल पूर्वक अगर किसी को हम कहते हैं वो धर्म नहीं है। पांचवी बात, अनमोल धर्म है, मूल्य से प्राप्त होने वाला धर्म नहीं है। मैंने धर्म का कोई मोल तोल नहीं है, अनमोल है, इसीलिए अनमोल है वो धर्म है, जिसका मूल्य है, जो खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, वो धर्म नहीं होता है। धर्म को ना हम बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। जब प्रसंग आता है सैनिक महाराजा का, भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं, भंते मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान सर्वज्ञ थे, केवल थे। भगवान ने कहा सैनिक तुम्हारा आयुष्य नरक गति का बंध गया है, मरने के बाद तुम पहली नरक में उत्पन्न होगे। जैसे ही ये बात सैनिक राजा ने सुनी,
भगवान के पैर पकड़ लिए। अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपका सबसे बड़ा सेवक और मैं राजा, मैं कैसे नरक में जा सकता हूँ, आप कुछ उपाय बताएं, मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं भगवान महावीर स्वामी को, तो भगवान महावीर स्वामी ने कुछ उपाय बताए नरक टालने के। पहला उपाय बताया, यदि आप एक नवकाशी कर लेंगे तो आपकी नरक टल जाएगी। दूसरा उपाय बताया, यदि आपकी दासी जो कपिला है वो साधु साध्यों को दान देगी तो आपकी नरक टल जाएगी। तीसरा उपाय बताया कि आपकी राजधानी नगरी में जो काल सक्र कसाई है वो प्रतिदिन तो पाड़े मारता है, 500 भैंसा मारता है, यदि उसको मारना छोड़ दे तो आपकी नरक टल सकती है। चौथा उपाय बताया, यदि आपको पुण्या श्रावक एक सामायिक मिल जाए, पुण्या श्रावक यदि आपको एक सामायिक दे दे आपकी नरक टल सकती है। तो श्रेणिक राजा ने कहा ये तो छोटी छोटी बातें, आराम से ये सब संभव है। तो सबसे पहले श्रेणिक राजा सोते में अपने पर अप्लाई करता हूँ, तो नवकाशी कर लेते हैं, नवकाशी की। लेकिन दूसरे दिन नवकाशी आने से पहले ही खा लिया, भूल गए तो मैंने नवकाशी की थी, तो नवकाशी नहीं हुई। फिर दूसरे दिन वो दासी जो उनके घर में थी, साधु साधियों को लेके आते हैं, कहा दासी से आज आपको उनको दान देना है, गोचरी करानी। तो दासी मिथ्या भी थी कपिला दासी, तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती थी। तो कपिला दासी ने कहा मैं तो किसी भी हालत में दान देने वाली नहीं हूँ, गोचरी अपने हाथ से मैं भोजन नहीं दूंगी। वो बहुत मना करती है, तब श्रेणिक राजा फोर्स करते हैं, उसके हाथ में चाटू चम्मच बांध देते और कहा आपको दान देना पड़ेगा। वो दान देती है, फोर्स किया ऐसे दान वो देती है, लेकिन वो क्या बोलती है, मैं दान नहीं देती, मेरा चाटू दान दे रहा, मेरा चम्मच दान दे रहा। ऐसा करके वो भी नियम नहीं हुआ। फिर तीसरा नियम बताया था, उपाय बताया था, कालसोक्र जो कसाई है वो 500 जो भैंसे हमेशा मारता है उसको मारना छोड़ दे तो तुम्हारी नरक टल सकती है। तो श्रेणिक राजा ने क्या किया, उस कालसोक्र कसाई को समझाया लेकिन नहीं माना, उसको एक जो कुआ था बहुत गहरा उसके अंदर डाल दिया और कहा अब वो कैसे मारेगा, एक दिन की बात है, एक दिन के लिए उसको रख दिया। लेकिन उसके संस्कार थे, उसका हृदय नहीं बदला था, उसने भावों से ही मन से ही मन से अपने शरीर से मेल निकालता गया और कहता गया एक पाड़ा मारा, दो मारा, तीन मारा, ऐसे करके 500 पाड़े उसने मार दिए। ऐसे करके वो भी उपाय नहीं हुआ। अब एक उपाय बचा कि पुण्या श्रावक की सामाई, तो पुण्या श्रावक के पास जाता है। पुण्या श्रावक जैसे अपने घर में राजा को देखता है, पुण्या बड़ा विनम्र था, खड़ा होता है, रिस्पेक्ट करता है, कहा महाराज बताइए क्या काम है, हमारी झोपड़ी में कैसे आपका आगमन हुआ। पुण्या मुझे आपकी एक सामायिक चाहिए, आप जो प्रतिदिन सामायिक करते हैं एक सामायिक मुझे चाहिए, उस सामायिक में लेने के लिए आया हूँ, इसका क्या मोल है आप बताइए। पुण्या श्रावण ने कहा मुझे सामायिक का मोल पता नहीं, इसका मोल कौन बता सकता है तो बताओ। पुण्या श्रावक ने कहा इसका मोल तो भगवान महावीर स्वामी बता सकते हैं, जाओ भगवान महावीर स्वामी के पास और वो मोल बताएंगे, उतने मोल में आप खरीद लेना। भगवान महावीर स्वामी के पास श्रेणिक राजा दौड़े दौड़े आते हैं और कहा इसका कोई, भगवान महावीर स्वामी से कहा, भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया कि पुण्या श्रावक जो सामायिक मुझे देने के लिए तैयार है, भगवान आप ही इसका मोल बताइए। भगवान ने कहा तुम्हारा जो संपूर्ण राज्य है उसको भी दे दो तो भी तुम्हारी सामायिक, तुमको सामायिक जो है उसका मूल्य तुम नहीं आंक सकते हो, नहीं दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब है तुम संपूर्ण राज्य भी दे दो तो भी सामायिक का कोई मोल नहीं हो सकता है, क्योंकि सामायिक अनमोल है, वो कोई खरीदने की चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है भगवान ने कहा अनमोल धर्म है, मूल्य से प्राप्त होने वाला धर्म नहीं है। तो श्रेणिक राजा के पास इतना बड़ा राज्य था फिर भी वो एक सामायिक नहीं खरीद सके, क्योंकि धर्म है वो खरीदने की चीज नहीं है, धर्म है वो आत्मा की चीज है, हम अपनी आत्मा के माध्यम से हम धर्म को कर सकते हैं, वो बाजार से हम उसको।
तो हम धर्म की हाँ मैंने आराधना देखा अपनी आत्मा से ही हम कर सकते बिल्कुल हैं, बाहर की वस्तुओं से हम नहीं कर सकते हैं। वो धर्म की पहचान भगवान ने 5 मार्ग बताए। पहला क्या बताया था? पहला याद है किसी को? पहला क्या था कोई बता सकते हैं? भूल गए लगता है, कोई बात नहीं, एक बार वापस रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहला था त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं है। सेकंड था आज्ञा धर्म है, अनाज्ञा धर्म नहीं है। तीसरा है संयम धर्म है, असंयम धर्म नहीं है। चौथा है उपदेश धर्म है, बल प्रयोग धर्म नहीं है। पांचवा है अनमोल धर्म है, मूल्य से प्राप्त होने वाला धर्म नहीं है। यह सहज ही बहुत ही सरल और सटीक परिभाषा धर्म की बताई गई, हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, बहुत ही सरल है, वरना व्यक्ति उलझ जाता है हम धर्म किसे माने। लेकिन ये 5 छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों के माध्यम से हम धर्म को समझ सकते हैं कि वास्तव में धर्म क्या चीज है। कई व्यक्ति किसी को रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होते हैं, उनको धर्म बता देते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में वो धर्म नहीं होता है। जहाँ त्याग होता है वह धर्म होता है, जहाँ संयम होता है वह धर्म होता है, जहाँ आज्ञा होती है वह धर्म होता है, जो उपदेश होता है वह धर्म होता है, जो अनमोल होता है वो धर्म होता है। ये धर्म की संक्षिप्त में बहुत ही सुंदर जैन तत्व विद्या में ये परिभाषाएं बताई गई हैं, वो सबको दिमाग में याद रखना चाहिए। तो आज का हमारा लेक्चर यही हम फिनिश करते हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है, क्योंकि आज हमें न्यू जर्सी लेक्चर करना है, इसलिए हम यही अपने विचार को विराम देते हैं। ओम रहम, ओम।